असलम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप के आप सब लोग ठीक होंगे अलहद लाला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सो अन अदर डे इन अधर व्लॉग सो आज का जो व्लाग है इट्स अबाउट ईटिंग एंड क्लिनिंग सो आज के ब्लॉग में मैंने ज़्यादातर जो चीज़ें कवर किए हैं और जो किया है वो सिर्फ खाया है और थोड़ी बहुत सफ़ाई किया है बिकॉज वी आर ऑफिशली बैक और फाइनली जो है ना शादी सीज़न वो ख़त्म हो गया है तो मेरा नॉर्मल लाइफ के जो व्लाग्स बनाने का बिल्कुल मूड ही नहीं हो रहा आज कल तो इसीलिए मैंने इतने दिनों से कुछ भी अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी चल रही थी और टाइम भी नहीं मिल रहा था सो so, आज मैंने सोचा कि फाइनली जो है ना व्लॉग अपलोड कर देते हैं सो so, कराची में भी क्योंकि शादी थी तो मेरे सारे कजन्स वगैरह कराची आए हुए थे सब लाहौर वाले तो मैं बहुत उनके साथ बिजी थी सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन अब जो है सब लोग चले गए हैं तो अब बहुत ज़्यादा बोरियत भी हो रही है तो अब मैंने सोचा कि मैं भी नॉर्मल लाइफ व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दूं तो सुबह सबसे पहले मेरे कज़न्स वगैरह आए हुए थे हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया उसके बाद जो है मैं मैंने थोड़ी बहुत अपने कमरे की सेटिंग की बिकॉज़ माई रूम वॉज अ मेस क्योंकि गेस्ट वगैरह आए हुए थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा कमरा साफ कर लेते हैं इतना साफ़ कर लेते हैं कि कोई मतलब किसी को अगर तैयार वगैरह भी होना चाहिए तो उसको स्पेस मिल जाए बिकॉज मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो बिल्कुल फुल भरा होता है सिर्फ मेरे सामान से तो मैंने जितना भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह था वो सब क्लीन किया अपना प्रॉपर मेकअप सेट किया जो मैं लाहौर लेकर गई थी क्योंकि वो भी बिल्कुल इधर उधर सब मेस क्रिएट हुआ हुआ था दैन उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत अनपैकिंग की अपने बैग्स वग़ैरह खाली किए सारा सामान दोबारा वैसे शादी से आने के बाद बिल्कुल भी मूड नहीं होता कि आप नॉर्मल लाइफ में वापस आएँ क्योंकि इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला हम लोगों ने किया था और हम लोग को इतना मज़ा आया और क्योंकि हमारे कज़न् जो हैं वो हमारे साथ कराची वापस आ गए थे बिकॉज़ कराची में भी शादी थी तो मेरा तो अब बिल्कुल मूड हो ही नहीं रहा नॉर्मल लाइफ की तरफ़ जाने का लेकिन ओबियसली नॉर्मल लाइफ की तरफ तो आना पड़ेगा सो so, इनशा ताली मैं ट्राई करूँगी कि अब जो है मैं अपने नॉर्मल रूटीन ब्लॉग्स जो पहले बनाती थी वो दोबारा से स्टार्ट करूँ प्लस मैंने अब सोचा है कि अब मैं इन अपनी जो डाइट वग़ैरह है उसको भी नॉर्मल करूँगी बिकॉज़ मैंने शादी में बहुत 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 इन्जॉय किया और बहुत खुल के खाया बिना सोचे समझे सो so, मेरा वेट गेन भी थोड़ा बहुत हो गया है तो अब इन शाह हम लोगों ने थोड़ा मैं मतलब अपने वेट की तरफ भी थोड़ा ध्यान दूंगी और अपनी ज़रा रूटीन जो है उसको ठीक करूंगी। तो so, यहाँ पे हम लोगों ने बैग्स वगैरह अनपैक कर लिए थे बैग्स को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया था क्योंकि अब तो पता नहीं कब हम लोग कहीं जाएं ट्रैवल करें बट अल्लाह खैर करे। उसके बाद जो है ना आज हमारा प्लान था कज़ंस का बाहर जाने का लंच पे तो हम लोग यहाँ पे मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी अच्छा और आप लोगों ने मुझे जो है ना कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैंने अपनी कज़न की शादी के व्लॉग्स डाले थे तो आप लोगों को कैसे लगे वैसे आई नो कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी उस पर व्यूज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं सो so, इसी बात पे मेक श्योर sure कि आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं बिकॉज लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते सो डू सब्सक्राइब ठीक है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा सो so, यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और हम लोग बेसिकली जा रहे थे लंच पे और हम लोग उसे जगह नहीं डिसाइड हो पा रही थी कि हमने एग्जैक्टली exactly जाना कहाँ है सो so, हम लोग गए थे स्प्रिंग्स कैफ़े जो कि लोकेटेड है टीपू सुल्तान पे वैसे ऑनेस्टली अब जो है ना मेरा नॉर्मल रूटीन ब्लॉग्स बनाने का इसलिए भी दिल नहीं करता क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बाहर और लाइक शादी वगैरह में इतना मैंने इन्जॉय कर लिया कि अब मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि मतलब मुझे लाइक प्रॉपर व्लॉगिंग करना लाइक रूटीन व्लॉग्स बनाना वो थोड़े मुश्किल लग रहे थे क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग बाहर लाइक like, आना जाना कर रहे थे कहीं घूमने चले जाते थे कहीं खाना खाने चले जाते तो ईजी होता था सो लेट्स होप कि अब इन शाल नॉर्मल रूटीन पर वापस आ जाऊँ मैं ईजीली अच्छा स्प्रिंग्स बेसिकली एक इट्स लाइक अ स्टोर एज वेल और वहाँ पर उनका कैफ़े भी है तो आप जो स्टोर है वहाँ पर लाइक आपको हर ब्रांडेड चीज़ भी मिल जाती है लाइक इंटरनेशनल ब्रांड्स भी इजीली अवेलेबल है सो so काफ़ी अच्छा सीन है वहाँ का और कैफ़े का जो खाना था वो भी अच्छा था मज़े का था हम लोगों ने आई थिंक तीन से चार डिशेस मंगाई थी जिसमें डायनामाइट प्रॉन्स थे उसके अलावा एक हमने पास्ता ऑर्डर किया था और एक दो हमने चिकन ऑर्डर किए थे लाइक स्टेक्स वगैरह ऑर्डर किए थे ओवरऑल जो खाना था ना वो अच्छा था मतलब नॉट बैड एट ऑल मतलब अगर मुझे रेटिंग्स लेनी हो तो आई वुड रेटेड सेवन अच्छा सो so बेसिकली मैंने ऑर्डर किया था मोरक्कन चिकन और हम लोगों ने स्टार्टर्स uh, में जो है इनके स्लाइडर्स ऑर्डर किए थे जो के अच्छे थे मिनी स्लाइडर्स से बेसिकली उसके बाद एक पास्ता सा आई डोंट रिम्बर द नेम ऑफ द पास्ता लेकिन वो भी अच्छा था काफ़ी ज़्यादा सॉसी था सो so अगर आपको सॉसी पास्ता पसंद है दैन मे बी यू लाइक इट लेकिन मुझे ज़्यादा सॉसी पास्ता नहीं पसंद तो इसलिए उसके बाद मैंने अपने लिए जो है मौका फ्राप ऑर्डर किया था जो कि बहुत ही मज़े का था एंड देन ये जो है पूरा इनका स्टोर है और यहाँ पे यूल गेट एवरी तो हमारा प्लान ये था कि हम लोग यहाँ से क्रोसॉन्स ख़रीदेंगे क्योंकि जो कि इंस्टाग्राम पे बड़े हाइप चल रहे हैं तो हम लोगों ने क्रोसॉन्स बाय किए और हम लोग घर आ गए थे ये वाले जो uh, क्रोसॉन थे ना दे वर सो सो गुड और मतलब दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने एक सिनेमन रोल लिया था और उसके साथ जो है एक मैंने क्रोसॉन बाई किया था सो so, यहाँ पे जो है मेरी कज़न पे कर रही है क्योंकि शी वॉज़ द वन हु ट्रीटेड अस तो उसकी तरफ से ट्रीट थी और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आया दैन हम लोग आ गए घर वापस घर वापस आने के बाद बेसिकली हमारा रात का भी प्लान था कहीं बाहर जाने का तो इसीलिए इस व्लॉग में मैंने जैसे कि बोला कि हमने सिर्फ खाया है और थोड़ी बहुत मैंने सफाई वगैरह जो अनपैकिंग की है वो घर आके जो है ना मैंने अपने लिए और अपनी कज़न के लिए कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी के साथ हम लोगों ने जो है क्रोसॉन्ट्स इन्जॉय किए मज़े के थे वैसे जितनी शकल से अच्छे थे उतने ज़्यादा अच्छे नहीं मुझे लगे ख़ास तौर तो पर लोटस वाला मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा बस ठीक था आई फील लाइक के जो नॉर्मल क्रॉन्स होते हैं ना वो ज़्यादा मज़े के मुझे लगते हैं इस वाले से सो so, yes उसके बाद जो है मैंने इनको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लिया था बिकॉज माइक्रोवेव करके ना क्रोसॉन्स हो या सिनेमन रोल्स हो या ब्राउनीज़ वगैरह भी मैं तो माइक्रोवेव कर लेती हूँ क्योंकि उनका फ़्लेवर बहुत मजे का आता है तो आप लोग भी करके देखिएगा ट्राई सो so, यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बना ली थी अपने लिए और अपनी कज़न के लिए और आई थिंक कॉफ़ी की तो मैंने रेसिपी बहुत दफ़ा शेयर की हुई है बहुत ईजी कॉफ़ी मैं बस एक टी स्पून कॉफ़ी ऐड करती हूँ और एक टी स्पून शुगर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया बीट किया एंड देन मिल्क ऐड कर देती हूँ जहाँ मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं ना ट्राईपॉड यूज़ करना बिल्कुल ही भूल गई हूँ तो मैं अब ब्लॉगिंग कैमरा लाइक मोबाइल एक हाथ से पकड़ के इस तरीके से ब्लॉग करी थी तो मेरा मोबाइल जो है इतना ज़्यादा शेक हो रहा था क्योंकि मैं एक हाथ से ब्लॉग करी थी और एक हाथ से लाइक वीडियो बना रही हूँ और दूसरे हाथ से काम करी थी बट अब इन शाला तला क्योंकि नॉर्मल रूटीन पर आऊँगी ना तो फिर मैं अपने ट्राईपॉड बिक उससे ये होता है कि ट्राईपॉड से आपका जो बैलेंस वगैरह होता है ना मतलब कैमरा सही एक जगह पर फिक्सड रहता है तो यहाँ पे बस हम लोग अपनी कॉफ़ी और क्रसोंड और सिनेमन रोल इन्जॉय रहे थे जो कि मुझे दोनों ही चीज़ें कोई ऐसा खास नहीं लगी मैंने इससे बहुत बेहतर लाइक like, ट्राई किए मैं सिनेमन रोल भी और ये भी तो so, मेरी तरफ से तो ये आई थिंक फोर आई वुड रेट देम फिर रात में जो है हम लोग खाने गए थे मोमोज़ खाने तो हम सिर्फ मोमोज गए थे लेकिन मोमोज के उससे ओबियसली हमारा पेट भी नहीं भरा तो हम लोगों ने सोचा कि साथ में ये स्क्वेर कॉफ़ी है तो हमने कहा कि चलो हम कुछ खा पी लेते हैं तो वहाँ से हम कॉफ़ी पीने गए थे बट कॉफ़ी का करते करते हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली क्योंकि हमारे सारे लाइक कज़न्स वगैरह आ गए थे वहीं पर ये बेसिकली स्क्वायर वन मॉल में है जहाँ पर हम गए थे तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी और बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया बहुत खाया इस दिन मुझे अभी भी सोच के भूख लग रही है लेकिन आई एम लाइक कि यार अब बस अब जो है ना बिल्कुल मैंने बाहर खाना नहीं खाने जाना क्योंकि बहुत खा लिया है बाहर का खाना भी और बहुत आउटिंग्स हो गई हैं सो आई होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल